पवन सिंह जी का एक महीने तक तो कोई गाना जो है नहीं आएगा। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हैं, होली के बाद न पवन सिंह जी का गाना आया है और ना एक महीने तक कोई गाना आएगा। दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप जान लीजिए, मेरा नाम गुड्डू राजा 777 है और आप लोग देख रहे हैं स्टार न्यूज। दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह जी का होली के बाद जो है दोस्तों गाने का बहुत बेसब्री से इंतजार हो रहा है। ऑडियंस बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही है कि आखिर पवन सिंह जी का गाना कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा। तो दोस्तों साफ शब्दों में अगर आप सुनना चाहते हैं तो आप लोगों को बता दूं कि पवन सिंह जी का गाना एक से डेढ़ महीना तक लगभग कोई भी गाना जो है नहीं आएगा, चाहे वो लगन हो, चाहे वो पवन सिंह जी का अदर कोई भी गाना हो, एक महीना डेढ़ महीना तक नहीं आएगा। कारण ये है कि पवन सिंह जी अभी चुनाव में बिजी है, पवन सिंह जी अभी टिकट को लेकर के थोड़ा सा टेंशन में है, इसीलिए जो है पवन सिंह जी गाना नहीं गा रहे हैं। तो गाना जब गाएंगे नहीं तो गाना आएगा कैसे। दोस्तों ऐसे देखा जाए तो एक गाने का चर्चा है जो गाना गन्नायक फिल्म से आने वाला है, लगन स्पेशल सॉन्ग, जो दोस्तों पिछले साल 2023 में आपने सुना होगा पियर फराक वाली, उसी टाइप का गाना जो है दोस्तों गन्नायक फिल्म से आने वाला है। लेकिन दोस्तों वो गाना अभी 15-20 दिन 25 दिन तक जो है दोस्तों नहीं आएगा, हो सके तो 27-28 अप्रैल तक उसका कुछ अपडेट आए कि हाँ ये गाना फलाना डेट को रिलीज हो सकता है। लेकिन दोस्तों उससे पहले कोई भी गाना आने का अपडेट जो है दोस्तों नहीं है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है कि पवन सिंह जी का गाना शूटिंग नहीं हुआ हुआ है, पवन सिंह जी का बहुत सारा गाना जो है दोस्तों प्रियांशु सिंह जी की आवाज में जो है दोस्तों शूटिंग हुआ हुआ है, यानी कि प्रियांशु सिंह जी जब गाए थे उसी पे पवन सिंह जी ने शूटिंग कर लिया है। लेकिन पवन सिंह जी अभी थोड़ा टेंशन में है टिकट को लेकर के, जैसा कि आप लोग को पता ही है कि बहुत सारा जगह का जो है दोस्तों घोषणा हो चुका है, कौन से जगह से कौन से शख्स जो है दोस्तों लड़ने वाले हैं, इसका घोषणा जो है दोस्तों हो चुका है। लेकिन दोस्तों पवन सिंह जी का अभी भी घोषणा नहीं हुआ है कि पवन सिंह जी आखिर कहां से चुनाव लड़ेंगे, क्या वो पवन सिंह जी बीजेपी से लड़ेंगे, पवन सिंह जी आरजेडी से लड़ेंगे, या पवन सिंह जी निर्दलीय लड़ेंगे, या पवन सिंह जी किसी और पार्टी से लड़ेंगे, या पवन सिंह जी ने जहां से टिकट वापिस किया था आसनसोल से वहीं से लड़ेंगे, इसका कोई अपडेट दोस्तों अभी तक नहीं है। इसीलिए जो है दोस्तों पवन सिंह जी थोड़ा सा टेंशन में है और इसीलिए शायद पवन सिंह जी गाने को नहीं गा रहे हैं। यही दोस्तों आप लोग के लिए अपडेट था, हमने आपको दिया। दोस्तों ये अपडेट आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों इस बात को कहते हुए हमें भी दुख हो रहा है क्योंकि पवन सिंह जी का गाना नहीं आना एक महीना डेढ़ महीना तक, ये तो दोस्तों हम सब के लिए बहुत दुख की बात है। चलिए दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मेरा नाम गुड्डू राजा 777 है और आप लोग देख रहे थे स्टार न्यूज।